फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ साइका बेड रेलिंग का। तो फ्रेंड्स, ना मैं आपको सिर्फ इसका रिव्यू दूंगी, बल्कि मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि क्या वाकई हमें इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप इसको परचेज करते हैं तो अब क्या राइट टाइम है जब आपको इसकी ज़रूरत एक्चुअल में पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरा बेबी है। अभी ये 10 मंथ्स का है, बट ये वीडियो है जब वो लगभग 6 मंथ्स का था। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये बिल्कुल भी किसी भी तरह की प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरी पर्सनल परचेज़ है साइका बेड रेलिंग की। तो आप देखिए मेरा बेबी कितना अच्छे से इसके साथ खेल रहा है। अभी वो सिर्फ इस वीडियो में वो सिर्फ 6 मंथ्स का है। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो ट्रस्ट में गाइस, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, आप इसके ऊपर जितना चाहे उतना वेट डाल सकते हैं, मतलब आप खुद भी इस पे वेट डाल सकते हैं, आपका बेबी भी वेट डालेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बेशक इस पे वेट डाल सकते हैं। जो इसमें दूसरा बहुत अच्छा फीचर है वो ये है कि इसकी जो हाइट है वो एडजस्टेड है। आप 75 सेंटीमीटर से लेके 88 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको इसमें मिलता है एक स्टोरेज बॉक्स। आप चाहें तो आप बच्चे की जो भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो आपको हैंडी चाहिए आप वो इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आता है एक वर्टिकल लिफ्ट डिज़ाइन है इसका, यानी कि आप जो ये बेड रेलिंग है आप उसको नीचे भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, या मान लीजिए अगर आपने अपने बेबी को सुलाया है और वो सो गया है, तो जो इसका इवन जो लिफ्ट करता है तो उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। बट इसके लिए फ्रेंड्स, जब आप इसको परचेज़ कर रहे होंगे तो आपको अपने बेड का साइज़ इसमें मेंशन करना पड़ेगा, ताकि आपको उस साइज़ की ही बेड रेलिंग रिसीव हो। इसके अलावा जो हमें इसमें यूजुअली एक थोड़ा सा लगभग 1 इंच का गैप चाहिए होता है। अगर आपके बेड और जो बेड मैट्रेस है उसमें गैप नहीं भी है, तो मेरे भी क्योंकि बेड और बेड मैट्रेस में गैप नहीं है, बट फिर भी उसमें आराम से फिट हो जाता है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा जो इसमें जो नेट लगा हुआ है वो विजुअल है और ब्रीथेबल भी है। मैं आपको एक्चुअल में बताऊं तो मैं अक्सर इसके साथ अपने बच्चे के साथ मैं हाइड एंड सीक का गेम खेलती हूँ, और मेरा बेबी वाकई बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट में गाइस, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है इस बेड रेलिंग के साथ। वो इसमें अपने आप खड़ा होके और हाइड एंड सीक बहुत अच्छे से खेलता है। इसके अलावा इसका जो एक और सबसे अच्छा, ऑफ कोर्स जो अगर हम बेड रेलिंग ले रहे हैं तो उसका हमें मेन पर्पज़ यही है कि बच्चा बेड से गिरे ना, तो ये डेफिनेटली 100% अपना पर्पज़ सॉल्व करता है। आपका बच्चा बिल्कुल इससे गिरेगा नहीं। आप अपने बच्चे को आराम से सुलाइए, और आप बेशक आप रूम में उसको अकेला सुला के बाहर जा सकते हैं, आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा बेड से। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरे रिव्यू से हेल्प मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आपको प्रेगनेंसी से या बेबी केयर से या फिर अगर बेबी प्रोडक्ट को लेके कोई इशू है, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या इस नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।